तो जय श्री कृष्णा, लड्डू बाबू क्रिएटिव ड्रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम जीरो और एक नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे बुकरम की। तो ये मैंने सर्कल ले लिया है, तो सर्कल मैंने लिया है 5 इंच का, 5 इंच का सर्कल ले लिया है मैंने ये। और मैंने दो फैब्रिक ले ली हैं येलो कलर की, एक नीचे लगाऊंगी मैं, एक नीचे आ जाएगी एक ऊपर। तो मैंने ये दोनों फैब्रिक एक तरफ ही रख ली हैं, ये दोनों फैब्रिक मैंने एक तरफ ही रख ली हैं। अब मैं इसके चारों तरफ यहाँ ऐसे सिलाई लगा दूँगी। तो आप ऐसे ही 5 इंच का सर्कल काट लीजिए, सर्कल कट कर लूँगी ये नी बीच में से, तो मैं इसे ऐसे मिला लूँगी। तो आप इसे देखिए ऐसे ही यूँ 4 फोल्ड कर लीजिए इसे, ऐसे मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पर निशान लगा दूँगी, तो आप बस इस पर 1/2 इंच का निशान लगाइए, बस इस पे थोड़ा सा ही लगेगा, 1/2 इंच का ही। ये यहाँ लगा लूँगी मैं 1/2 इंच का इधर, और 1/2 इंच का इधर लगा लूँगी। तो देखिए मैंने ये सर्कल कट कर लिया है। अब मैं इसे ऐसे कर सीधा और यहाँ बीच में से और काट दूँगी। इस सर्कल के यहाँ ऐसे ऐसे सिलाई लगा लूँगी, ऐसे ले जाकर सिलाई कर ली लगा लीजिए इसके ऊपर। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पर ऐसे ही ये वाला गोटा लगा दूंगी दोनों साइडों में, ऐसे लेकर ऐसे, तो आप दोनों तरफ इसे गोटे को लगा दीजिए। दोनों तरफ गोटा लगा दिया है। अब मैं यहाँ ये वाला जितना ये है सर्कल, इसी नाप की मैं वो डोरी वाली वो लगा दूँगी, डोरी वाला नेफा लगा दूंगी। तो जितना ये है गोलाई उतना ही इस पर डोरी लगाने के लिए लगा दीजिए। तो मैं इसे उल्टी तरफ नेफे को लगा दूंगी, ऐसे उल्टी तरफ लगा कर फिर मैं इसे उस उधर को पलट दूंगी। तो मैं इसे नेफे को यहाँ लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने ये सीधी तरफ पलट लिया है फैब्रिक को, और मैंने ये गोटा लगा दिया है। डोरी ज़्यादा मोटी हो जाएगी क्योंकि छोटी सी कान्हा जी की ड्रेस है, तो मैंने यहाँ गोटा ले लिया है और मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूँगी। तो मैं ऐसे इसमें सिलाई लगा दूंगी, मोटी चली जाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी। बस गोटे को बचाना है हमें, जिससे गोटे पर सिलाई ना लगे। तो देखिए मैंने ये ऐसे यहाँ मोड़ दिया है। देखिए अब मैं यहाँ लेस लगा लूंगी इधर, यहाँ चारों तरफ सर्कल पर चारों साइड इधर गोल गोल लगा दूंगी। और कहीं कहीं आप फ्रिल डाल लीजिए जिससे इसमें झोल ना आए। देखिए मैंने ये लेस यहाँ भी लगा ली है, ये लेस मैंने यहाँ भी लगा दी है और यहाँ भी लगा दी है। तो देखिए मैंने ये वाले फ्लोवर में यहाँ लगा लूँगी। तो मेरी 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। तली की पट्टी ले ली है, तो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 2 इंच, हमारी 1 इंच तैयार रह जाएगी। और मैंने इसकी लंबाई ली है 5.5 इंच, तो 5 इंच इसकी लंबाई तैयार रह जाएगी। तो मैं इसे ऐसे फोल्ड कर लूँगी, ऐसे फोल्ड कर और इस पर सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हमने चोली में सिलाई लगा ली है। अब मैं ये वाली लेस, बारीक वाली गोल्डन कलर की लेस, इस पर लगा दूँगी। एक साइड ही लगाऊँगी बस, मैं दोनों साइड नहीं लगाऊँगी। लेस लगा दी है, मैं इसे हाफ हाफ कर कट कर लूँगी। तो ऐसे हाफ कर मैं इसे कट कर लूँगी, और मैं यहाँ इन्हें वी शेप में सिलाई लगा दूँगी थोड़ी सी। बस हमें थोड़ी सी सिलाई लगानी है 1/2 इंच पर। सिलाई लगा ली है, ये रही। अब मैं यहाँ डोरी लगा दूँगी बांधने के लिए, जिससे हम इसे ऐसे पहनाएंगे कान्हा जी को। तो मैं यहाँ डोरी लगा दूँगी। तो मैंने ये बारीक वाला गोटा इसके अंदर रख दिया है और उल्टी तरफ, और इसे सिलाई लगा दूँगी सीधी हुई, ऐसे ही सिलाई लगा दूँगी मैं इसमें। तो देखिए ये वाला गोटा मैंने बारीक वाला गोटा लिया है, ये रहा, और मैंने इसमें सीधी सिलाई लगा दी। तो देखिए चोली भी रेडी हो गई है, ये रही चोली भी रेडी है और हमारी ड्रेस भी रेडी है। देखिए हमने ये ड्रेस भी बना दी अपनी कान्हा जी की, और ये वाली ये चोली भी बना दी है। तो हमारी ड्रेस
रेडी है। तो आप इस ड्रेस को नवरात्रि के लिए अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए और ये बनकर बहुत प्यारी लगती है। ये कि आपको मेरी ड्रेसें कैसे लगती हैं बनाई हुई और समझाने का तरीका कैसा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।